हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने डाउट में आके अनवांटेड किट ले ली है, चाहे आपने उसकी दो टैबलेट ली हो फर्स्ट की, या फिर तीन ली हो या फिर एक ली हो, तो उसके बाद आप जानना चाह रही हैं कि हमने डाउट में आके दो या तीन टैबलेट ले ली हैं तो इसके बाद हमें ब्लीडिंग होगी या फिर नहीं होगी, या फिर उसके बाद हमारे पीरियड कब आएंगे, पीरियड आएंगे या फिर नहीं आएंगे, जो इस मंथ के ड्यू पीरियड हैं वो हमको आएंगे या फिर नहीं आएंगे, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि काफ़ी लेडीजों का इस तरह का सवाल होता है, हमने डाउट मार के खा ली है और हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमको ब्लीडिंग इसके बाद होगी या फिर नहीं होगी, तो यही हम जानेंगे। लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ हम अपने चैनल पर डेली अपलोड करते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आपने डाउट में आके अनवांटेड किट खा ली है तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है हर लेडीज़ के शरीर के ऊपर, यानी कि हार्मोन किस तरीके से काम कर रहे हैं। हर लेडीज़ के शरीर में हार्मोन अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ लेडीज़ों को फर्स्ट टैबलेट खाने के बाद भी ब्लीडिंग आ जाती है, कुछ को नहीं आती है। बहुत ही कम ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको कि ब्लीडिंग होती है। तो ये लेडीज़ के शरीर पे डिपेंड करता है। तो मेन टॉपिक जो हमारा था कि अगर आपने डाउट में आके खा लिया है तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग होगी या फिर नहीं होगी, तो एक लाइन में इसका आंसर मैं आपको दूंगी। तो वो ये है कि इसके बाद आपको ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जी हाँ, अगर आपने डाउट में आके खाई है, आपको प्रेगनेंसी नहीं थी, आप 100% कन्फर्म हैं कि हमको प्रेगनेंसी नहीं थी और हमने डाउट में आके खा ली है, तो इसके बाद ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केस में, यानी कि ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं जिनको कि ब्लीडिंग नहीं होती है, यानी कि अगर उनने डाउट में आके सिर्फ खाई है, यानी कि प्रेगनेंसी उनको नहीं थी, केवल डाउट में आके उनने खाई है, तो ज़्यादातर केस में उनको ब्लीडिंग नहीं होती है, इस तरीका का देखा गया है। तो ब्लीडिंग आपको हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको 4 हफ्ते तक वेट करना है पीरियड का, यानी कि पीरियड जो आपके ड्यू पीरियड डेट थी उसका 4 हफ्ते तक तो वेट करना ही करना है। अगर उसके बाद नहीं आ रहे हैं तो तब आपको डॉक्टर से दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है। हार्मोनल ट्रीटमेंट आप लीजिए, उसके बाद आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। क्योंकि आपने भले ही डाउट में आके खाई हो या फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए खाई हो, एमटीपी किट खाने के बाद आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। 2-3 महीने के लिए आपके पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे, भले ही आपने डाउट में आके खाई हो, बिना प्रेगनेंसी के खाई हो या फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए खाई हो। तो आज की वीडियो में हमने यही जाना कि अगर आपने डाउट में आके खा ली है तो बिल्कुल आपको ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ब्लीडिंग आपको हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इसलिए आप ये जानना चाहते हैं कि उसके बाद पीरियड कब आएंगे, जो हमारे हर मंथ पीरियड आते थे वो डेट पे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो डेट पे नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ तो होती ही होती हैं। टैबलेट भले ही आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए खाया हो या फिर डाउट में आके खाया हो, तो उस इरेगुलरिटीज़ को सही करने के लिए आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ सकता है। तो वो लेंगे तो आपका पीरियड सही से आने लगेगा। तो आई होप आपका डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। और कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।